नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम षोडश पटले अर्थात पाठ 16 पढ़ रहे हैं और पाठ 16 है हमारा सूक्त है। सूक्त है अर्थात सूक्तियाँ, सूक्तियाँ सुख उक्तियाँ अर्थात अच्छी उक्तियाँ, अच्छी जो हैं कही हुई बातें, जो महापुरुषों द्वारा कुछ श्लोक कहे जाते हैं उसके कुछ अंश जो हैं वो लिए जाते हैं, वो सूक्ति कहलाती है, जिसमें कि गूढ़ अर्थ छुपा होता है, जिसमें कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कही जाती है, वो सूक्तियाँ कहलाती हैं। तो सूक्तियों की जैसे जब हम व्याख्या करते हैं, जब उनका हम भावार्थ करते हैं, तो एक छोटे से जो सूक्ति है उसका हम विस्तार से व्याख्या करते हैं, उसका विस्तार से हम भावार्थ बताते हैं। तो आज यही हम पढ़ेंगे इस पाठ में, कुछ श्लोकों की अंश दे रखे हैं, कुछ सूक्तियां दे रखी हैं। सूक्तियां का अर्थ हमें समझ में आ गया, सु प्लस उक्ति अर्थात कुछ विशेष कही हुई बातें, कुछ अच्छी कही हुई बातें। तो आगे हम अपनी सूक्तियां पढ़ते हैं। पहली है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वच है। हितम जो हितकारी है, जो कल्याणकारी है, मनोहारी है, मन को अच्छा लगने वाला है, च दुर्लभम वचे अर्थात वो जो वचे है, वचन होते हैं दुर्लभ है अर्थात वो दुर्लभ होते हैं, मतलब जो मन को अच्छी लगने वाले जो वाक्य होते हैं, मन को जो अच्छे लगते हैं, जो कल्याणकारी वाक्य होते हैं, अक्सर ही वह दुर्लभ होते हैं, वो जो हैं बहुत मुश्किल से आपको समझ में आते हैं, वो अत्यंत दुर्लभकारी होते हैं। जैसे कि जब हम कोई कल्याणमयी बात सुनते हैं वो हमें थोड़ी कड़वी लगती है, लेकिन वो कल्याणकारी है, वो हमारे लिए उपयोगी है। इसलिए कहा गया है कि जो वाक्य जो वचन दुर्लभ होते हैं वही जो है हितकारी होते हैं हमारे लिए। दूसरी, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी अर्थात माता, जन्मभूमि हमारी मातृभूमि, स्वर्गादपि स्वर्ग से भी, गरीयसी अर्थात महान होती है, बड़ी होती है, अर्थात माता और मातृभूमि का स्थान जो है वो स्वर्ग से भी महान होता है, स्वर्ग से भी ऊंचा माना जाता है। क्यों माना जाता है ये हम सभी जानते हैं, जहाँ हम रहते हैं जिसने हमें जन्म दिया है वो माता, और जहाँ हम रहते हैं वो हमारी मातृभूमि जो है, वो दोनों ही स्वर्ग से ऊँचे, हमेशा उनका हमें आदर करना चाहिए, उनका हम बात हमें माननी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए हमें। तो इसीलिए कहा गया है कि माता और मातृभूमि जन्म से भी बढ़कर हैं, स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। तीसरी, अविवेक है परमा पदाम पदम अर्थात अविवेक है परमा पदम परम आपदम पदम। तो अज्ञानिता अविवेक है, अज्ञानिता जो है वह परम पदम बड़ी बड़ी जो मुसीबतें हैं पदम उनका कारण होती है, अर्थात अज्ञानता के कारण ही हम मुसीबतों में पड़ते हैं। जो व्यक्ति ज्ञानवान नहीं होता, जो अज्ञानता अविवेकपूर्ण कार्य करता है, जो उस कार्य को बिना सोचे समझे करता है, उसके बारे में पूरी तरह वह सोचता नहीं है, पूरा उसे ज्ञान नहीं होता है और वह उस कार्य को करने लगता है, तो फिर मुसीबत ही मोल लेता है, तो उसमें उस कार्य को करने में उसे कठिनाई होती है, परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए कोई भी कार्य अगर हम करें तो ज्ञानपूर्वक करें, उसके बारे में पूरा सोच कर हमें वो कार्य करना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि अज्ञानता जो है वो बड़ी बड़ी मुसीबतों का कारण बनती है। सत्यमेव जयते अर्थात सत्य ही विजयी होता है, चाहे असत्य कितना ही बलपूर्वक ना मनवाया जाए, लेकिन अंत में हमेशा सत्य की ही विजय होती है, सत्य की ही जीत होती है, सच सबके सामने आ ही जाता है। इसीलिए कहा गया है कि सत्यमेव जयते, सत्य ही विजयी होता है। नास्ति शोक समो रिपुः, नास्ति न अस्ति, नहीं है शोक, शोक समो समान, रिपु शत्रु अर्थात शोक के समान कोई भी शत्रु नहीं है। कैसे नहीं है कि जब हम
किसी कार्य के लिए शोक मनाते रहेंगे तो वह शत्रु के समान होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम उसी कार्य में लगे रहेंगे, हम बैठे रहेंगे, हम किसी के लिए शोक मनाते रहेंगे। हमें उसको दूर करके आगे बढ़ना चाहिए, हमें शोक नहीं मनाते रहना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि शोक के समान कोई भी, इससे बड़ा कोई भी शत्रु हमारे लिए नहीं है। परोपकाराय सताम विभूतयः, अर्थात सताम सज्जन मनुष्य जो होते हैं, विभूतः उनकी जो संपत्ति होती है, परोपकाराय परोपकार के लिए ही होती है। कैसे होती है परोपकार? दूसरों परोपकार करना, दूसरों की भलाई करना। जो श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं, जो सज्जन मनुष्य होते हैं, जो सदाचरण रखते हैं, उनका जो संपत्ति है वो परोपकार के लिए होती है, दूसरों के लिए होती है। एक आपने पहले भी श्लोक पढ़ा होगा कि वृक्ष खबो न फल वक है, अर्थात वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाते, वो दूसरों के लिए होता है। नदी न संचयनीय, नदी भी अपना पानी स्वयं नहीं पीती, वो भी दूसरों के लिए होता है। तो इसी प्रकार जो सज्जन मनुष्य होते हैं, जो श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं, उनकी जो संपत्ति होती है वो दूसरों की भलाई में कार्य करती है, दूसरों के लिए उपयोगी होती है, वो दूसरों के लिए कल्याणकारी होती है। तो इसीलिए कहा गया है कि सज्जनों की संपत्ति परोपकार के लिए ही होती है। विद्या सर्वस्य भूषणम्, अर्थात विद्या ही जो है सभी का आभूषण होती है। विद्या के माध्यम से ही हम सभी जगह सुशोभित होते हैं। जो ज्ञानवान लोग होते हैं, जिनको विद्या का ज्ञान होता है, वही जो हैं सभी जगह पूजे जाते हैं, सभी जगह सुशोभित होते हैं। अपनी विद्या के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से वे आगे बढ़ते हैं और सभी कार्यों में सिद्ध होते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि विद्या सर्वस्य भूषणम्, विद्या सभी का आभूषण होती है। उपायेन ही यच्छक्यम न तच्छक्यम पराक्रम ही, अर्थात उपाय ही, उपाय से ही यच्छक्यम संभव हो जाता है, न तच्छक्यम वह नहीं होता पराक्रमयी, अर्थात पराक्रम से, अर्थात उपाय से जो संभव हो जाता है वो बल से संभव नहीं होता। कैसे नहीं होता? जैसे हमने अभी अपना पहले एक पाठ पढ़ा था, यस्य बुद्धि तस्य बलम्, मतलब जहाँ बुद्धि होती है वहीं बल होता है। तो इसी प्रकार से केवल बल ही जो है बलपूर्वक कोई कार्य नहीं किया जाता, जब तक कि हमें उसका उपाय नहीं आएगा किसी कार्य को करने का, हमें उसके लिए कार्य को करने के लिए बुद्धि का ज्ञान नहीं होगा, कोई भी हम बुद्धि से कार्य नहीं करेंगे, तो फिर जब तक वह हमारा कार्य पूर्ण नहीं होगा। तो इसलिए उपाय जो है उससे सब संभव हो जाता है, उपाय करने से केवल बलपूर्वक कोई चीज़ संभव नहीं होती। केवल हमारे अंदर बल है और हम किसी कार्य को करने के लिए बैठे रहे, हमने बल से करते रहें और पता तो वह कार्य नहीं होता, और एक छोटे से उपाय से वह कार्य हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि उपाय से जो संभव हो जाता है वो बल से वीरता से संभव नहीं होता। विद्याभ्यासेन रच्यते, अर्थात विद्या अभ्यासेन रच्यते, विद्या जो है उसकी रक्षा अभ्यास से ही होती है। विद्या की रक्षा अभ्यास के कैसे होती है? कि विद्या प्राप्त करके हम उसका अभ्यास ना करें, हम उसका ज्ञान को, आपने सुना होगा, कहा जाता है कि विद्या जो है बांटने से बढ़ती है, अर्थात उसका जितना हम अभ्यास करेंगे वह उतनी ही बढ़ती जाएगी, उतनी ही हमारे लिए ज्ञानवर्धक रहेगी। तो इसलिए विद्या की जो रक्षा है वो अभ्यास के द्वारा ही होती है। तो जितना हम अभ्यास करते रहेंगे वो ज्ञान हमारे पास बना रहेगा और बढ़ता रहेगा, और अगर हम उसका अभ्यास नहीं करेंगे तो वह हमारे संचित हो जाएगा, एक जगह इकट्ठा रह जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि विद्या अभ्यासेन रक्षते, विद्या की रक्षा अभ्यास द्वारा ही होती है। आचार्य कुलम आख्यति, अर्थात आचार्य आचरण से, कुलम कुल की परिवार की, आख्याति मतलब ख्याति का पता चलता है, अर्थात आचरण से ही परिवार का पता चलता है, परिवार की ख्याति का पता चलता है। केवल धन से पता नहीं चलता कि आपके पास बहुत सारा धन है और उससे आपके परिवार की बहुत ज़्यादा प्रशंसा हो रही है, यश है,
नहीं, लेकिन जो उसका आचरण अच्छा है उस परिवार का सब अलग से ही पहचान जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि आचरण से ही परिवार का पता चलता है कि कितने सदाचरण वाले लोग हैं, कितने अच्छे लोग हैं, इसका पता उनके व्यवहार से, उनके आचरण से ही जाना जाता है। तो इस तरह से ये हमारी सूक्तियाँ थी, अच्छी उक्तियाँ थी, ज्ञानवर्धक थी, जिनसे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है इन उक्तियों से। तो हमें इनको ध्यान रखना चाहिए, याद रखना चाहिए, और ये छोटी छोटी जो सूक्तियाँ हैं इनको हमें याद भी कर लेना चाहिए। अब आगे इसके हम शब्दार्थ करते। हितम अर्थात कल्याणकारी, सुखम अर्थात वचन, गरीयसी अर्थात महान, आपदाम अर्थात मुसीबतों का, सताम अर्थात सज्जनों की, भूषणम अर्थात आभूषण, सक्यम अर्थात समर्थ, कुलम अर्थात परिवार। उन्हें देख लेते हैं एक बार। हितम कल्याणकारी, बचे है वचन, गरीयसी महान, आपदाम मुसीबतों का, सताम सज्जनों की, भूषणम आभूषण, शक्यम समर्थ, कुलम परिवार। दुर्लभम दुर्लभम, और दुर्लभम क्या, कठिन। जननी अर्थात माता या माँ, अविवेक है अर्थात अज्ञानता, समो अर्थात समान, विभूत है अर्थात विभूतियां, पराक्रम ही अर्थात वीरता से, आचार्य है अर्थात आचरण, आख्याति अर्थात पता चलता है, दुर्लभम कठिन, जननी माता, अविवेके है अज्ञानता, समो समान, विभूत है विभूतियां, पराक्रमी वीरता से, आचार्य है आचरण, और आख्याति पता चलता है। तो इस तरह ये हमारे शब्दार्थ समाप्त हुए। शब्दार्थ के बाद में हम जो हैं इस पाठ में, हमारे अभ्यास कार्य में हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, कोई भी प्रश्न नहीं है।
लेकिन जिस तरह से हमने पहले पार्ट में प्रश्न किए थे उसी के आधार पर हम इसमें उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए ये प्रश्न अपने आप से बना सकते हैं और कर सकते हैं। तो अब हम एक प्रश्न इस तरह से करेंगे जिससे कि हमें बहुत अच्छे से सूक्तियों का ज्ञान हो जाएगा, हमें उनका अर्थ अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी हम आगे उनका जो है अध्ययन अच्छे से होना चाहिए, तभी हम उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो एक प्रश्न हम कर लेते हैं। उचितैः विकल्पे उचिते विकल्पे चिन्हं योजयत्। जिस तरह से हमने और पाठों में किए थे उसी तरह से हम यहाँ पे करते हैं। का हितम मनोहारी मनोहारी च और इति स्थान वचः, अर्थात जो कल्याणकारी है मन को अच्छे लगने वाले हैं वो वचन कैसे होते हैं, और हमारे पास दो विकल्प हैं सुलभम और दूसरा है दुर्लभम। अर्थात तो वो वचन हमने कैसे पढ़े हैं कि जो अक्सर कल्याणकारी वचन होते हैं वो हमारे लिए कठिन होते हैं दुर्लभ होते हैं, तो यहाँ आएगा दुर्लभम, ये हमारा सही विकल्प है। ख जननी जन्मभूमिश्च रिक्त स्थान और फिर गरीयसी, अर्थात जननी और जन्मभूमि किससे बढ़कर है, किससे महान है। तो पहला विकल्प है आकाशपि और दूसरा विकल्प है स्वर्गादपि। अर्थात जननी और जन्मभूमि हमने क्या पढ़ा था, जननी और जन्मभूमि हमारे लिए स्वर्ग से भी बढ़कर हैं, स्वर्ग से भी महान हैं, तो हमारा सही विकल्प आएगा स्वर्गादपि, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। ग एव जायते और यहाँ विकल्प है हमारा असत्यम और दूसरा विकल्प है सत्यम। तो हमने क्या पढ़ा है सत्य ही जीतता है, विजय होती है सत्य की, तो सही विकल्प क्या आएगा हमारा सत्य। घ रिक्त स्थान सताम विभूत है, अर्थात सताम विभूत है सज्जन मनुष्यों की जो संपत्ति होती है वो किसके लिए होती है। तो यहाँ पर पहला विकल्प है परोपकार है और दूसरा विकल्प है पापा है, तो किसके लिए होती है सज्जन मनुष्यों की संपत्ति, परोपकार के लिए, दूसरों पर उपकार के लिए, तो यहाँ सही विकल्प आएगा परोपकार आए। रिक्त स्थान कुलम आख्याति अर्थात कुल की जो है पता चलता है, किससे पता चलता है, पहला विकल्प धनम और दूसरा विकल्प है हमारा आचरण है।
तो किससे पता चलता है, किसका? परिवार का, हमें आचरण से पता चलता है। तो यहाँ सही विकल्प आएगा आचरण है। तो इस तरह से हम जो है अपने पाठ को पढ़ने के बाद में कुछ प्रश्नों का उत्तर हम अपने आप से कर सकते हैं, अपने आप से हम प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं। तो अब इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन अपने आप से बना सकते हैं, और वो है हमारा दूसरा क्वेश्चन, रेखांकिता नाम पदानाम आदत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। रेखांकिता नाम पदानाम आदत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। का हितम मनोहारी चा दुर्लभ है वचे है। और यहाँ पर हमें जो रेखा खींची हुई है वो है वचे है के नीचे। तो हित और मनोहारी जो हमारे वचन होते हैं वो जो है दुर्लभ होते हैं। तो यहाँ पर हम वचे को आधार बना के हमें प्रश्न बनाना है। तो वहां लिखेंगे हम हितम मनोहारी चा दुर्लभ है, और यहाँ आएगा कह कि हित और मनोहारी जो होते हैं वो दुर्लभ होते हैं। क्या होते हैं? तो वो वचन। इसी तरह खे विद्या सर्वस्य भूषणम, विद्या सर्वस्य भूषणम, और यहाँ पर सर्वस्य के नीचे रेखा है, हमें प्रश्न बनाना है। विद्या सभी का भूषण होती है, तो विद्या किसका भूषण होती है? विद्या कस्य भूषणम, और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी तरह से ग आचार्य कुलम आख्याति, आचरण से ही परिवार का पता चलता है। तो यहाँ हमें प्रश्न बनाना होगा, आचार्य है, और कुलम के नीचे यहाँ पर जो है वो रेखा खींची हुई है, तो कुल को आधार बना के हमें प्रश्न बनाना है। आचार्य है किम आख्याति, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस तरह से ये प्रश्नों का निर्माण हमने कर दिया। अब आगे के दो प्रश्नों का निर्माण और करेंगे अभी हम। घ नास्ति शोक समो रिपुह, और यहाँ पे रिपु के नीचे रेखा खींची हुई है, अर्थात शोक जो है उसके समान कोई भी शत्रु नहीं है। तो यहाँ प्रश्न होगा हमारा, नास्ति शोक समो कह, और प्रश्नवाचक चिन्ह। हम अपने प्रश्नवाचक चिन्ह जो हैं लगाकर और प्रश्नों का हम निर्माण कर सकते हैं रेखांकित पदों को आधार बनाकर। तो ये प्रश्न भी हमने अपने आप से बनाया था। तो हमने इस तरह से अपने दोनों प्रश्न किए हैं। हम अपने पाठ को आधार बनाकर प्रश्नों का निर्माण अपने आप किया जा सकता है। अब हम फिर से अपनी सूक्तियों को पढ़ लेते हैं जिससे हमें वो अच्छे से याद हो जाएंगी।
हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः है, अर्थात मन को अच्छे लगने वाले हितकारी कल्याणकारी जो वचन है वो अत्यंत दुर्लभ होते हैं। दूसरी, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात माँ और मातृभूमि दोनों ही स्वर्ग से महान होती हैं, स्वर्ग से बढ़कर होती हैं। थर्ड, अविवेक है परमा पदम पदम, अर्थात जो अज्ञानता है वो हमारी बुरी मुसीबतों का कारण बनती है। फोर्थ, सत्यमेव जयते, सत्य की ही हमेशा ही विजय होती है। फिफ्थ, नास्ति शोक समो रिपुः, शोक के समान अन्य कोई भी शत्रु नहीं है। परोपकाराय सताम विभूतः, अर्थात सज्जनों की जो संपत्ति है वो परोपकार के लिए ही होती है। विद्या सर्वस्य भूषणम्, विद्या जो है वो सभी का आभूषण होता है। उपायेन ही यच्छक्यम न तच्छक्यम पराक्रम ही, अर्थात उपाय से जो संभव हो जाता है वो बल से वीरता से संभव नहीं होता। विद्याभ्यासेन रक्षते, अर्थात विद्या की जो रक्षा है वो अभ्यास के द्वारा ही संभव है। आचार्य कुलम आख्याति, आचरण से ही, आचार्य अर्थात सदाचार सद आचरण से ही परिवार का पता चलता है। तो ये हमारे वाक्य सूक्तियों का एक जो है वो सूक्ष्म अर्थ था, लेकिन जब हम इसका अर्थ अच्छे से व्याख्या करते हैं तो एक लाइन में हमें इसका अर्थ नहीं देना होता, हमें इसका अर्थ विस्तार से देना होता है, इसका विस्तार से व्याख्या हमें करनी होती है, विस्तार से हमें भावार्थ लिखना होता है। अभी जो हमने बाद में पढ़ा, अभी पढ़ा, वो केवल हमने सूक्ष्म रूप से अर्थ पढ़ा था, और जो हमने पहले पढ़ा था वो विस्तार से अर्थ था। तो इस तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा सूक्तियों को याद कर सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं उनको, अपने व्यवहार में उनका हम ला सकते हैं, क्योंकि विद्या जो है वो हमें अपने व्यवहार को अच्छा बनाने योग्य बनाती है, हमें ज्ञान प्रदान करती है। तो आज ये पाठ हमारा यहीं समाप्त होता है।